मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन कार्यक्रम से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भी अपने यहां पर संगत दर्शन का कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए छत्तीसगढ़ से 2 अधिकारियों को पंजाब भेजा गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से किए जा रहे संगत दर्शन कार्यक्रम को अब छत्तीसगढ़ भी अपनाने जा रहा है। संगत दर्शन कार्यक्रम कैसा है, ये कैसे किया जाता है, इसे देखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक रिलेशन विभाग के 2 अधिकारी पंजाब पहुंचे और उन्होंने सीएम के संगत दर्शन कार्यक्रम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक संगत दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और जानकारी के आधार पर उनका निपटारा होता है। फर्ज है कि मैं कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि मैनू तजर्बा होया कि नवा संगत दर्शन नहीं, जदों भी अपनी पहली सरकार बनी उदों तो संगत दर्शन प्रोग्राम चालू है। हिंदुस्तान की होर किसी स्टेट से संगत दर्शन प्रोग्राम नहीं। यह मतलब की हुंदा है कि एक तो लोगों दियाँ जिन्ने भी इलाके दियाँ तकलीफां हुंदियां वो सारियां का जायजा हो जाता। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आए दोनों अधिकारियों ने भी संगत दर्शन कार्यक्रम की काफी सराहना की और वो एक रिपोर्ट बनाकर अपनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी को सौंपेंगे। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द ही ऐसा प्रोग्राम अपने राज्य में लॉन्च करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मुलाकात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ और चर्चा के दौरान ही उनका ये संगत दर्शन प्रोग्राम के बारे में दोनों के बीच में चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि हम जा करके एक बार जो संगत दर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री करते हैं उनको साक्षात रूप से समक्ष उनके साथ बैठ के देखें। उसी तारतम्य में आज सुबह से ही हमारे साथ 2 और अधिकारी आए हैं। गौरतलब है कि पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से लगातार संगत दर्शन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संगत दर्शन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर।